अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा तुम्हें फौरन पता चल जाएगा। टाइगर तुम्हारी तरह के लिए क्या देख सकते हैं सल्लू भाई के दो रोल? किन दो कैरेक्टर्स में से धमाल मचाने वाले हैं सलमान? इस बार एक नहीं बल्कि दो दो नजर आने वाले हैं सलमान। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं टाइगर की सीरीज के आने वाली सीक्वल टाइगर 3 के बारे में, जहाँ फिल्म के अपडेट्स हमें ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में सलमान के दो अवतार नजर आ सकते हैं फिल्म में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के मेन लीड रोल्स में टाइगर और जोया यानी कि सलमान खान और कटरीना कैफ नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म में एक्शन, लव स्टोरी और ड्रामा के साथ साथ कई चीजें भी दिखाई जाने वाली। लेकिन फिल्म में ये दूसरा आने वाला कैरेक्टर क्या और कैसा हाइप क्रिएट करने वाला है, ये तो बात देखने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक दूसरा कैरेक्टर जोया की लव स्टोरी पर डिपेंड करने वाला है, या तो एक दूसरा कैरेक्टर लाने वाला है एक विलन के किरदार में। अब इसमें से कितना सच है और कितना गलत, ये तो आने वाले दिनों में रिवील हो ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टाइगर 3 फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा की, जिन्होंने हाल ही में हुए इंटरव्यू में ये जाहिर किया कि वो उनकी फिल्म टाइगर 3 को एक नया बेंचमार्क बनाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये दर्शकों की टाइगर 3 के लिए इंतजार बेकार नहीं जाने वाला। अब शायद वो ये बात कर रहे हैं टाइगर 3 में सलमान खान के डबल रोल के बारे में, या तो हो सकता है एक नया बड़ा ट्विस्ट। शायद आपको ये खबर नहीं पता होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म सेकंड फिल्म होगी जिसमें वो डबल रोल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी प्रेम रतन धन पायो फिल्म में डबल रोल्स किए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर इस बार फिर पिछली बार की तरह प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के डबल रोल्स को उतना प्यार नहीं मिल पाया टाइगर 3 के डबल रोल्स को, तो क्या मनीष शर्मा के बेंचमार्क का सेट हो पाएगा पूरा? अब फिल्म चाहे हमें रुला कर जाए या हंसा कर, हमारा और आपका एंटरटेनमेंट तो तय ही है। बस अब इंतजार है फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का। ऐसे ही लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी ही पहुंच पाए। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।